मांझी से निकले थे और यहाँ पर देखिए ये कोई जानवर है जो कि, और ये देखिए यहाँ पर कोई हॉल्ट नहीं है, लेकिन दो लोग जो है ना सामने चलती ट्रेन में ही चढ़ गए। सो ये आगे फ्रेंड्स कुल्लड़ वाली चाय टेस्ट करते हैं। चाय जो है काफ़ी बढ़िया है। कोच का हालत देखिए, ये पूरा का पूरा जो कोच है ना गंदा हो रखा है। अंदर भी दिखाऊंगा ना मैं आपको, तो आपको हर जगह गंदगी गंदगी दिखेगी, और कोई भी जो है अभी तक इसको साफ़ करने नहीं आया है। देखते हैं अब कंप्लेंट वगैरह करते हैं, उसके बाद देखते हैं। सो तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो तो गाइस, फिलहाल मैं हूँ अभी छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और जो अपनी आज की जर्नी है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 04651 जयनगर और अमृतसर के बीच चलने वाली क्लोन हम सफ़र एक्सप्रेस में। ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो ये जो ट्रेन है हर रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को जयनगर रेलवे स्टेशन से सुबह के 4:15 पर निकलती है, और अगले दिन दोपहर के 2:45 पर आपको पहुंचा देती है अमृतसर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बाकी अपनी जो आज की जर्नी है वो थर्ड एसी में होने वाली है। कोच अपना B8 और सीट अपनी 7 और 8 नंबर, साइड लोअर और साइड अपर बर्थ जो अपने को आज मिला है। बाकी छपरा में जो है ना गर्मी में आपको क्या ही बताऊँ, लगभग 42-43 डिग्री टेम्परेचर है, और कपड़े जो है पूरे गिले हो रखे हैं, बाल भी पूरे गिले हो रखे हैं पसीने से, इतनी गर्मी है छपरा में। तो चलिए अभी चलते हैं स्टेशन के अंदर और आपको ट्रेन का अराइवल जो है वो दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आ गई अपनी जयनगर अमृतसर क्लोन हम सफ़र एक्सप्रेस तुगलकाबाद के W8B7 के साथ। ये रहा अपना कोच B8। चलिए अंदर चलते हैं, और ये रही अपनी सीट 7 और 8 नंबर, साइड लोअर और साइड अपर। बाकी कोच देखिए साफ सुथरा, बड़ा भी साफ सफाई जो है प्रॉपर है अभी मेंटेन, और बाकी यहाँ पर भी जो है ना अभी छपरा रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई की जा रही थी। ये देखिए साफ सुथरा कोच है अभी। चलिए डिपार्चर जो आपको वो दिखाते हैं अब। चलिए छपरा से निकल चुकी है अपनी ट्रेन, और सामने देखिए कितना खूबसूरत सा लोकोमोटिव खड़ा हुआ है W8B4। बाकी वो सामने देख सकते हैं आप पूर्वोत्तर रेलवे का कोचिंग डिपो छपरा रेलवे स्टेशन का। बाकी भाई गर्मी बहुत है छपरा में, बहुत हाई टेम्परेचर है इस समय, लगभग 44-45 डिग्री के करीब। मांझी से निकले फ्रेंड्स, और यहाँ पर ना ट्रैक पर कोई जानवर में भी आ चुका है, उसकी वजह से ट्रेन जो है वो रुकी हुई है अपनी। तो मांझी से निकले थे और यहाँ पर देखिए ये कोई जानवर है जो कि, भावना एक्सप्रेस के साथ अपनी क्रॉस
और रक्सौल की तरफ जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी जो है बज रहे हैं 4 और ये हमने साइड पेंट्री से जो है समोसा लिया है। 10 रुपये का प्राइस पड़ा है इसका। टेस्ट करते बताते किस तरह का टेस्ट है। नॉर्मल सा टेस्ट है, समोसा भी ठंडा हो रखा है। काम चलाने के लिए खा सकते हैं बट ओवरऑल ठीक ठाक ही है। सो फ्रेंड्स अभी जो है हम स्किप कर रहे हैं आजमगढ़ रेलवे स्टेशन को, और आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर सामने लगी हुई है कैफियत एक्सप्रेस जो कि चलती है आजमगढ़ और दिल्ली के बीच। और ये देखिए यहाँ पर कोई हॉल्ट नहीं है लेकिन दो लोग जो है ना सामने चलती ट्रेन में ही चढ़ गए। तो फ्रेंड्स ट्रेन जो अपनी पहुंच चुकी है अभी शाहगंज रेलवे स्टेशन पर। SHG यहां का स्टेशन कोड है। प्लेटफॉर्म की संख्या इस रेलवे स्टेशन पर 4 है। बाकी 60 ट्रेनें जो है यहां पर आकर रुकती है। 2 ट्रेनें इस रेलवे स्टेशन से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। बाकी शाहगंज की बात करें तो शाहगंज जो है आता है उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में, और अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पर 25 मिनट का हॉल्ट है क्योंकि यहाँ से जो है अपनी ट्रेन का लोको जो है वो रिवर्सल होने वाला है। शाहगंज रेलवे स्टेशन पर फ्रेंड्स आपको खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। चावल वगैरह, बिरयानी वगैरह आपको मिल जाएगी, समोसे वगैरह मिल जाएंगे, पकौड़े वगैरह, काफ़ी सारे ऑप्शन जो है आपको शाहगंज रेलवे स्टेशन पर मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर अंकल है, इनसे हम कुल्लड़ वाली चाय ले रहे हैं शाहगंज में। 10 रुपये इसका प्राइस है। सो ये आ गई फ्रेंड्स कुल्लड़ वाली चाय, टेस्ट करते हैं। चाय जो है काफ़ी बढ़िया है, तो आप कुल्लड़ वाली चाय जो है ना वो ट्राई कर सकते हो शाहगंज रेलवे स्टेशन पर। तो समय से 25 मिनट की डिले के साथ जो अपनी ट्रेन निकल चुकी है अभी शाहगंज रेलवे स्टेशन से, और अपना लोको जो है रिवर्स हो चुका है। इसी तरफ से हमारी ट्रेन आई थी और इसी तरफ को अब जा रही है। बाकी भाई ट्रेन ने जो है ना स्टेशन से निकलते ही एक्सेलरेशन पकड़ लिया अपना अच्छा खासा। सभी जो अपनी ट्रेन निकली है शाहगंज रेलवे स्टेशन से। अब मैं आपको ना इस ट्रेन की कोच कॉन्फ़िगरेशन और फेयर के बारे में बता देता हूँ। तो अगर आप इस ट्रेन में सफ़र करेंगे ना तो आपको इसमें 9 थर्ड AC के कोचेज मिल जाएंगे और 6 इसमें आपको स्लीपर कोचेज मिल जाएंगे। बाकी फेयर की बात करें तो अगर आप स्लीपर कोचेज में ट्रैवल करेंगे तो 840 रुपये उसका फेयर पड़ेगा। अगर आप ट्रैवल करेंगे थर्ड AC में तो उसके लिए आपको देने होंगे 2145 रुपये। बाकी ये जो फेयर है ना ये फेयर है एंड टू एंड, यानी कि जयनगर से अमृतसर के बीच का। देखिए वो जो सामने आपको ट्रैक दिख रहा है ना उससे हम आए थे छपरा की तरफ से। बाकी इस तरफ जो है अब अपनी ट्रेन जा रही है लखनऊ वाले रूट पर। एक चीज़ बताना था आपको, अगर इस जयनगर अमृतसर क्लोन हम सफ़र में आप ट्रैवल करोगे ना तो आपको रेल नीर का बोतल नहीं मिलेगा,
ये एक्वा प्लस का पानी मिलेगा आपको, वो भी ओवर प्राइस बेचा जा रहा है। 15 रुपये का प्रिंट रेट है लेकिन 20 रुपये में बेचा जा रहा है। तो अभी देखते हैं आगे भी अगर यही चलता रहा तो फिर एक्शन लेंगे, कंप्लेंट वगैरह करेंगे। फ्रेंड्स, ट्रेन जो अपनी पहुंच चुकी है अभी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर। वैसे अपनी ट्रेन का यहां पर ऑफिशियली कोई हॉल्ट नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 मिनट से ट्रेन जो है यहीं पर रुकी हुई है। बाकी मैं आपको इस ट्रेन के बारे में बताऊँ तो इस जयनगर क्लोन हमसफर में अगर आप ट्रैवल करोगे ना तो इसका फेयर तो आपको पड़ेगा ही एक्स्ट्रा, लेकिन इसमें मिलने वाला सभी का सभी सामान जो है वो भी आपको कॉस्टली पड़ने वाला है। जैसे कि अगर आप पानी लेंगे तो आपको 20 रुपये का पानी मिलेगा, रेल नीर का बोतल आपको मिलेगा ही नहीं। बाकी खाने की बात करें तो आपको इसमें वेज थाली मिलेगी 130 रुपये में, 80 रुपये वाली स्टैंडर्ड वेज में थाली आपको इस ट्रेन में नहीं मिलने वाली है। बाकी अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर भी ना गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, शाम के 7:30 बज चुके हैं लेकिन गर्मी अभी भी बहुत ज़्यादा है। चलिए अभी ट्रेन के अंदर चलते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं अब लखनऊ रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन जो है अपनी पहुंच चुकी है अभी लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन कोड है यहाँ का LKO। प्लेटफॉर्म की संख्या इस रेलवे स्टेशन पर 9 है। बाकी इस रेलवे स्टेशन को ओपन किया गया था इंडिया 1914 में और अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पर 10 मिनट का हॉल्ट है। बाकी ट्रेन जो है यहाँ पर पहुंची है लगभग 35 मिनट की देरी के साथ। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर आप क्राउड देख सकते हो, अच्छा खासा क्राउड है, आगे की तरफ और भी ज़्यादा है। बाकी इधर भी क्राउड आपको अच्छा खासा दिख जाएगा और सामने कोई ट्रेन जो है वो लगी हुई है। कृपया ध्यान दीजिए, सुल्तानपुर निहालगढ़ के रास्ते पटना से आने वाली, कानपुर सेंट्रल मथुरा के रास्ते कोटा को जाने वाली गाड़ी संख्या 1-3-2-3-9 एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। अभी जो है ट्रेन निकली है अपनी लखनऊ से और अपना जो अगला हॉल्ट है वो आएगा सुबह के 4 बजे मुरादाबाद रेलवे स्टेशन। उसे कोशिश करेंगे कवर करने की, बट नहीं हो पाता है तो आपसे सीधे मुलाकात करेंगे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। The next morning.
तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ट्रेन जो अपनी पहुंच चुकी है अभी मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन कोड है यहाँ का MB, 7 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। बाकी इस रेलवे स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1873 में और इसे 2012 में इलेक्ट्रीफाइड किया गया। बाकी अपने ट्रेन का यहाँ पर अराइवल टाइम था 3:55 का, लेकिन ट्रेन जो है यहाँ पर लगभग 2:45 की देरी के साथ पहुंची है। वैसे अपनी ट्रेन का हॉल्ट जो है इस रेलवे स्टेशन पर 10 मिनट का है। अभी 8 बज रहे हैं और कोच का हालत देखिए, ये पूरा का पूरा जो कोच है ना गंदा हो रखा है और कोई अभी तक इसको साफ सफाई करने भी नहीं आया। कोच के अंदर भी दिखाऊंगा ना मैं आपको, तो आपको हर जगह गंदगी गंदगी दिखेगी और कोई भी जो है अभी तक इसको साफ करने नहीं आया। देखते हैं, अब कंप्लेंट वगैरह करते हैं उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये देखिए क्या हालत हो रखी है अपने कोच। बाकी ये देखिए सामने नीट एंड क्लीन मिरर है और आपको वॉशरूम का टूर भी एक बार करवा ही देते हैं। इस तरफ है वॉशरूम अपना, तो वॉशरूम अभी वॉशरूम का कंडीशन उतना बुरा नहीं है। सामने आप देख सकते हैं मिरर लगा हुआ है, उतना साफ़ सुथरा नहीं है। और यहाँ पर जो है वाटर टैब है, पानी आ रहा है, वाटर बेसिन है, ठीक ठाक है। अभी सोप ओल्ड रहा है लेकिन सोप है नहीं इसके अंदर। बाकी ऊपर की तरफ जो है आपको लाइट मिल जाएगा और इस तरफ जो है आपको फ्लश बटन देखने को मिल जाएगा। तो वॉशरूम का कंडीशन ठीक ठाक है अभी भी, लेकिन कोच के अंदर जो है ना काफ़ी गंदगी है अभी। फ्रेंड्स देखा ना आपने कोच का हालत कितना खस्ता हो रखा है, मतलब साफ़ सफाई के नाम पे तो बिल्कुल ही जीरो है। आप हम सफ़र का किराया ले रहे हो स्पेशल ट्रेन बनाकर, और कोच का हालत अगर जो इस तरह का रहेगा तो किस हिसाब से चलेगा। मतलब कोच में आप किसी भी कोच में चले जाओ आपको साफ़ सफाई के नाम पे बिल्कुल जीरो ही मिलने वाला है, आपको बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं मिलने वाला है। और 8:30 का समय हो चुका है, अभी तक कोई भी इसको साफ़ सफाई करने के लिए नहीं आया है।
फ्रेंड्स ट्रेन जो है अपनी पहुंच चुकी है अभी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन कोड है यहाँ का DLI। प्लेटफॉर्म की बात करें तो 16 प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन पर। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पर 7 बजे का अराइवल टाइम था, लेकिन ट्रेन जो है यहाँ पर लगभग 3 घंटे 55 मिनट की डिले के साथ यानी कि 10:55 पर पहुंची है। वैसे आपको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये स्टॉल्स वगैरह जो है काफ़ी जगह पर मिल जाएंगे, जहाँ से आप नमकीन चिप्स वगैरह जो है कुरकुरे वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स पानी वगैरह जो आप अपने लिए ले सकते हो। कि लोगों ने जो है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को डिबोर्ड कर दिया है। फ्रेंड्स ट्रेन जो है अपने पहुंच चुकी है ट्रेन के सेकंड लास्ट हॉल्ट अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन कोड है यहां का UMB। बाकी अपने ट्रेन का यहां पहुंचने का समय था 10:10। ट्रेन जो है यहां पर पहुंची है लगभग 3 घंटा 50 मिनट की देरी के साथ यानी कि लगभग 2 बजे। तो अपना जो आज का व्लॉग है उसको मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक ट्रेन है शाम को, उसकी भी जर्नी जो है यहीं से शुरू होने वाली है। और वैसे भी इसका अब अगला हॉल्ट सीधा अमृतसर में ही है। तो अपने आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और जल्द मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग के साथ।